फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने से लेकर हिरण और कई हसीनाओं का शिकार करने के बाद सलमान खान बॉलीवुड के जिस मुकाम पर है, यहाँ तक आने के बाद भी वो अभी तक कुंवारे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सलमान खान के अवैध संबंधों के बारे में। लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत सलमान के बारे में जानकारियाँ लीजिए। सलमान खान का जन्म इंदौर में 27 दिसंबर 1965 में हुआ था। कम लोगों को पता है कि सलमान खान का पूरा नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। सलमान खान फेमस राइडर सलीम खान और उनकी पत्नी के बड़े बेटे हैं। सलमान बॉलीवुड में अपने करियर को लेकर काफी चर्चाओं में रहे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में बीवी हो तो ऐसी से की थी। हालांकि इसमें सलमान साइड एक्टर के तौर पर नजर आए थे, लेकिन 1989 में सलमान ने लीड एक्टर के रूप में अपनी फिल्म मैंने प्यार किया से शुरुआत की। इसमें उनके साथ खूबसूरत एक्ट्रेस भाग्यश्री नजर आई थी। लेकिन फिल्मों में आने से पहले ही सलमान खान का एक्ट्रेसेस के साथ रिश्ता बनने लगा था। सलमान की लाइफ में सबसे पहले एक्ट्रेस संगीता बिजलारी ने एंट्री ली थी। 1980 में जब संगीता ने मिस इंडिया का ताज जीता तो उसके बाद से ही सलमान के साथ उनके लिंकअप की खबरें चर्चाओं में आने लगी। ये रिश्ता बहुत ज्यादा समय तक नहीं चला, दोनों के बीच कड़वाहट आ गई और संगीता बिजलानी ने क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन से शादी कर ली। संगीता बिजलानी के जाने के बाद सलमान खान की जिंदगी में एंट्री की पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली ने। एक वक्त पर दोनों के बीच में काफी अच्छा रिश्ता था। सोमी ने एक अपने इंटरव्यू में बताया कि 15 साल की उम्र में ही उन्हें सलमान पर क्रश था और वो तभी से सलमान से शादी करना चाहती थी। यही वजह थी कि सोमी ने बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। मीडिया की माने तो सलमान खान शादी से पहले ही सोमी अली के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उतावले थे, जिसके लिए सोमी अली राजी नहीं हुई और 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों अलग हुए। सोमी ने सलमान से अलग होने की वजह उनकी शराब की लत और उनका गंदा नेचर बताया था। सोमी से ब्रेकअप के बाद सलमान की लव स्टोरी ऐश्वर्या राय के साथ शुरू हुई। 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के दौरान इनकी लव स्टोरी शुरू हुई। दोनों का प्यार खूब परवान चढ़ा, लेकिन 2002 में इनकी लव स्टोरी का अंत हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि सलमान खान किसी भी हीरोइन के साथ प्यार का नाटक अपनी हवस को पूरी करने के लिए ही करते हैं। ऐश्वर्या से लाइफ के जाने के बाद सलमान खान उन्हीं की हमशक्ल स्नेहा और लाल को इंडस्ट्री में ले आए। दोनों के बीच रिश्ते को लेकर काफी चर्चा रही, लेकिन दोनों ने कभी भी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। इसके बाद सलमान की लाइफ में एंट्री मारी कैटरीना कैफ ने। सलमान ने कैटरीना कैफ के डूबते करियर को सहारा दिया और आज कैटरीना कैफ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। कैटरीना सलमान के साथ मैंने प्यार क्यों किया में नजर आई थी। सलमान कैटरीना को लेकर सीरियस थे, लेकिन इस बार भी सलमान के हाथ खाली रह गए और कैटरीना रणवीर के साथ निकल गई और अब विकी कौशल की लाइफ बन चुकी है, जिसके बाद सलमान खान का नाम कैटरीना कैफ की कॉपी जेरीन खान के साथ जुड़ा, लेकिन वो सिर्फ अफवाह थी। जिसके बाद बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट यूलिया के साथ भी सलमान का नाम जोड़ा गया। यूलिया एक रोमानिया एक्ट्रेस और एंकर है। सलमान खान विदेश ट्रिप के दौरान यूलिया से मिले भी, इसके बाद वो इंडिया भी आई। अब देखना यह है कि सलमान और यूलिया के बीच ये रिश्ता कितने लंबे समय तक बना रहता है। और अपनी शादी वाली बात पर सलमान कई बार बोल चुके हैं कि जिस दिन उनके ऊपर से सारे केस हट जाएंगे उस दिन वो शादी के बारे में सोचेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि सलमान सच में शादी करेंगे या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।